हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की लैंड सर्वेइंग की प्रैक्टिकल क्लास के अंदर। ये क्लासेस दिल्ली में जो है कंडक्ट की जा रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ में मिस्टर रामनाथ, जो कि समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। 5 साल प्लस का इनको ये एक्सपीरियंस है डिप्लोमा के बाद, और 5 साल के बाद भी जो हर किसी इंजीनियर के साथ होता है सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब के साथ में कोई सीख नहीं पाता है, कोई सिखाता नहीं है, वही इनके साथ भी हो रहा था। जिसके चलते इन्होंने डिसीजन लिया कि इस कोर्स को प्रैक्टिकली मुझे सीखना है, और आज 8 दिन के अंदर ये टोटल स्टेशन और ऑटो लेवल को कम्प्लीटली सीख चुके हैं। बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही अफोर्डेबल फीस में इन्होंने ये कोर्स कम्प्लीट किया है। पूरा प्रैक्टिकल 3-3 घंटे 4-4 घंटे हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, जिसके चलते ये जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाया कि इतने कम टाइम के अंदर ये सीख पाए हैं। और आज पूरा का पूरा बिल्डिंग का लेआउट इन्होंने किया है, कॉलम मार्किंग किया है, ग्रिड लाइन ड्रॉ किया है, अभी ये बिल्डिंग की हाइट कैसे मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, और साथ में बहुत सारे मेथड को इन्होंने सीखा है। हम आपको एक बार दिखाते हैं कि जो है कैसे जो है इन्होंने कॉलम को लेआउट करना यहाँ पर सीखा है, कैसे ड्रॉ किया। देखिए, जो कि एक ये कॉलम यहाँ पर इन्होंने मार्क कर रखा है, ड्रॉ किया हुआ है, एक कॉलम ये ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पर जो है ग्रिड लाइन जो है गाइस, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो है यहाँ पर ग्रिड लाइन उन्होंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, ये जो है यहाँ पर ग्रिड लाइन इन्होंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है, ठीक है गाइस। तो ये जो है, और ये क्यों हो पाया है गाइस, ये प्रैक्टिकल इन्होंने सीखा है, ये जो है प्रैक्टिकली इन्होंने सीखा है, पूरा का पूरा ग्रिड लाइन इन्होंने ड्रॉ किया। और ये जो है, ये मेथड ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपको हर तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क में आपको मदद करते हैं। प्रैक्टिकली सीखने का बेनिफिट क्या होता है कि आपको चीज़ें समझ में आती हैं, इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, कैसे आप सर्वे वर्क को और इंस्ट्रूमेंट को जो है प्रिसाइज तरीके से यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो इंस्ट्रूमेंट बहुत कॉस्टली आता है, जो कि हर कोई कंपनी आपको पहले दिन में तो देगा नहीं। जब तक आपको फुली नॉलेज ना हो सर्वे वर्क की, तब तक आपको कोई भी कंपनी इस इंस्ट्रूमेंट को छूने नहीं देगा। और सर्वे ऐसा चीज़ है दोस्तों, प्रैक्टिकल है, कोई इंस्ट्रूमेंट में सिखाता नहीं है ये चीज़, फ्रेंकली स्पीकिंग ये चीज़ कोई नहीं होता है। लेकिन परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर से आप बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही कम फोर्स फीस में जो है इंस्ट्रूमेंट को सीख के एक प्रोफेशनल लैंड सर्वे टोटल स्टेशन ऑपरेटर बन सकते हैं। तो इनकी आज ट्रेनिंग जो है हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है कल इनको फील्ड में लेके जाएंगे, और जो इन्होंने अपने पिछले 8 दिन के अंदर सीखा है वो कल हम जाके फील्ड में भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि जब अपनी जॉब पर वापस जाएँ तो कॉन्फिडेंस के साथ में जाएँ, ठीक है गाइस। तो यही कहेंगे, अगर आप भी सीखना चाहते हैं, आप भी बनना चाहते हैं, तो आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स को दिल्ली ब्रांच में ज्वाइन कर सकते हैं, और कम से कम फोर्स फीस में जो है दोस्तों यहाँ पर आके आप सीख सकते हैं। तो अभी ये कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर रहे हैं डिजिटली, उसके बाद ये करेंगे उसको, उसे हॉरिजॉन्टल जो है ऑब्जेक्ट को नापेंगे, कोई भी जो हमारा डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल दो ऑब्जेक्ट के बीच में, या किसी दीवार को आपको नापना है, या कोई बाउंड्री है तो उसको आपको नापना है, कोई ब्रिक वर्क हो रखा है उसको आपको नापना है तो वो कर सकते हो, या दो पॉइंट आपको मिले हुए हैं उनको बीच का डिस्टेंस मेजर करना है वो कर सकते हो, और आप चाहे तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो, आपके सामने कोई टावर ही क्यों ना हो, आप उसके भी मेजरमेंट जो है इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आराम से कर सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है ऑटो लेवल से मेजर करना, और ना ही आप 50 मीटर 100 मीटर की बिल्डिंग को जो है मैनुअली मेजर कर सकते हो, जबकि ये इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप बहुत ही आराम से इन चीज़ों को कर सकते हो। तो अगर आप दिल्ली में ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वे ही नहीं दोस्तों, इंटीरियर फिटआउट, इमेज, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एचवीएसी, ब्रिज, हाईवे, टनल, मेट्रो, रेट्रोफिटिंग, एसटीबी, डब्ल्यूटीबी, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स की, तो आप एक अफोर्डेबल फीस में सीख सकते हो। ऑफलाइन क्लासेज में साथ में हम लाइव साइट विजिट पर भी ले जाते हैं, और सीखना चाहते हो आप लैंड सर्वे में ऑटो लेवल टोटल स्टेशन को, तो आप सीख सकते हैं, डिजाइन सॉफ्टवेयर, प्लानिंग सॉफ्टवेयर को आप सीख सकते हैं, और यही कहेंगे प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, हाइब्रिड नहीं, आप प्रैक्टिकली सीखते हो, ठीक है जी। क्या कर रहा है? टारगेट के मुझे ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल जो है घंटों की प्रैक्टिस के बाद इन्होंने किया, और इतना प्रैक्टिस के लिए आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी 3-3, 4-4 घंटे आपको नहीं सिखाता, कोई सीनियर के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो यही कहेंगे, जॉब पे जाने से पहले अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके जाइए, घुमाओ घुमाओ, क्या हो गया, चेंज हो रहा है ना नीचे का बस, ठीक है, और इंडस्ट्री चेंज हो रहा है, मतलब कि वो घूम रहा है,
क्या मेजर कर रहे हो? वो दोनों का हाँ, पॉइंट वो है। पॉइंट आ गया ना जी। ठीक है, हो गया। ठीक है, हम एक बार वर्टिकल कर लो, एक बार वर्टिकल हाइट मेजर करो इस बिल्डिंग की। तो ये खुद से देखेंगे, खुद से प्रैक्टिकली कर रहे हैं, और आप पूरा कॉन्फिडेंस ये हो चुके हैं कि जो बिल्डिंग में, रोड में, ब्रिज में, हाईवे में, कहीं पे भी जो काम करना करना होता है एक सिविल इंजीनियर को, वो ये कर सकते हैं। अगर आप इन इंस्ट्रूमेंट को सीख के जाते हो या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके जाते हो, तो आपकी सैलरी में, चाहे आप फ्रेशर ही क्यों ना हो, आपको ये स्किल्स आती हैं, तो आपकी सैलरी में एज कम्पेयर टू दूसरे इंजीनियर कम से कम 5 से 7 हज़ार का डिफरेंस आता है, ये बात याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल लॉक किया, हॉरिजॉन्टल इस वाले केस में हॉरिजॉन्टल को लॉक कर दिया करो, वर्टिकल की हमें वर्टिकल को ही मूव करना बस। हो गया, करो। अब जहां तक तुम्हें मेजर करना, वहां तक ना, आपको जितना भी बड़ा बिल्डिंग क्यों ना हो तुम्हारा, हो गया, दोनों मेथड हो गए रिवाइज। ठीक है, चलो अब इसको बंद कर दो। रामनाथ एक चीज बताओ मेरे को, इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना चाहिए? इसको केयरफुली यूज करना चाहिए, थोड़ा सा भी इसके साथ मजाक मजाक मस्ती इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, या कोई अन स्किल इसको छुए भी नहीं, या ले जाना भी हो तो स्किल को ही ले जाना चाहिए, रख रखा भी इसको केयरफुली करना बहुत चाहिए, रख रखा भी बहुत केयरफुली करना चाहिए। अभी जो हमने सीख लिया उसको संतुष्ट हो जी, क्लियर हो गया बिल्डिंग लेआउट वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया जी, कोई डाउट अब तक का हो जाएगा ना सारा का सारा काम जी। चलो ठीक है, जो मोटो था वो पूरा हुआ आपका जी? ठीक है, तो गाइस अभी जो है प्रैक्टिस भी कर लिए, अब हम कल फील्ड में जाएंगे और जो हमने अब तक सीखा है वो सारा का सारा जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्ट्रूमेंट को क्यों कोई देता नहीं है जी, समझ में आ गया। काफ़ी सेंसिटिव है, इसको बिना स्किल के इसको छूना नहीं चाहिए, बिना नॉलेज को तो, और ना ही किसी को देना है, डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है वो भी पता होना चाहिए, पाँव से भी हिलना नहीं चाहिए जी, नहीं तो पूरा वाइब्रेशन कुछ नहीं होना चाहिए। अगर पाँव भी चल रहे हो तो उससे भी ये देखा होगा, उससे भी ज़्यादा ये मशीन जो है हिल जाता है जी, उसका एंगल लगने लगेगा, है ना। ये चीजें धीरे धीरे कि ये क्यों आपको पता चली, ये प्रैक्टिस से पता चली। अगर प्रैक्टिस नहीं होता, ये कोई बताता है फील्ड में? नहीं, ये सब कोई नहीं बताता है। तुम्हारे साइड पे इंजीनियर था, सर्वेयर था, उसने बताया कभी तुम्हें ये चीजें? नहीं, सिर्फ जाने से ही बोला साइड रहो, इसको छूना नहीं है। क्यों बोलता था वो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्यों बोलता? तुम्हें लगता है यार ये क्या होता है, इससे हम तो छू भी नहीं रहे, लेकिन वो कहता होगा दूर से देखो, देखना भी है तो इतना पास मत आओ जी, समझ में आ रहा होगा। अब तुम भी यही करोगे जी, तुम भी दूसरे को दूर रहो जरूरी है करना, है ना जी, जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, इंस्ट्रूमेंट है, कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है, पता चला उतने तो हमें 5-1 साल लग जाएगा सैलरी निकालने निकालने में, पता चला उसमें तो इसका वो एरर भी क्लियर नहीं हो रहा उतने तनख्वाह में जी, उसका मेंटेनेंस भी है ना जल्दी नहीं होता। हाँ चलो ठीक है, निकालो उसको और उसको बंद करो। सो गाइस अगर आप भी सीखना चाहते हैं, आप भी बनना चाहते हैं प्रोफेशनल लैंड सर्वर, फाउंडर सर्वर, ये किसी में प्लानिंग है, आप परफेक्ट इंस्टीट पर सीनियर को कॉल कर सकते हो, हमारा 8447-93087, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, आइए और सीखिए स्किल सीखने। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।